दोस्तों आज हमें एक पॉलीगन बनाना है, सेवन साइड वाला, जिसको हम लोग हेप्टागन कहते हैं। और उसकी एक साइड रहेगी 35 मिलीमीटर, और उसे हमें सेमी सर्कल मेथड से बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले एक डेंडम की लाइन खींच लेते हैं, और उसके एक पॉइंट से दोनों तरफ 35 35 मिलीमीटर ले लेते हैं। तो ये हम लोगों ने 35 35 मिलीमीटर ले लिया। अब जो सेंटर पॉइंट था वो सेंटर है हमारा, तो हम कंपास को 35 मिलीमीटर खोल के दोस्तों हम लोगों ने एक सेमी सर्कल बना दिया। अब जो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, इसको हम लोगों ने 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये 180 डिग्री का एंगल है, तो 180 डिग्री को अगर हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा एंगल आता है 25.7। तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 25.7 डिग्री में 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको। दोस्तों अब हमने इनको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। दोस्तों हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है, इसलिए हम इसको सेकंड पॉइंट पॉइंट पे इसको फोर्स कर रहे हैं। अब ये सेंटर अगर हमारा ओ था और ये लाइन ए बी थी, तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा, उसको हम लोगों ने इसको ओ टू और ओ बी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है इसका हमने। दोस्तों जो ये पॉइंट पी आ गया, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, और यहां से हम लोग सेंटर लेके ओ ए के बराबर और एक सर्कल लगा देंगे। और जितना हमारा 35 मिलीमीटर था हर पॉइंट से, दोस्तों 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये एक रेगुलर हेप्टागन हमारा सेमी सर्कल मेथड से तैयार हो गया। दोस्तों प्रश्न हमारा वही है, एक 35 मिलीमीटर का हेप्टागन बनाना है जिसकी साइड 35 मिलीमीटर है। तो
तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में बनाया था उसी तरीके से हमने इसको हाफ सर्कल बना के उसको सेवन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ओ सेकेंड और ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हम लोगों को करना है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी किया था दोस्तों, हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया जिसको हम लोग पी कह सकते हैं। ओ के बराबर, पी ओ के बराबर हम लोग एक सर्कल लगा देंगे। अब दोस्तों ओ थ्री, ओ फोर, ओ फाइव और ओ सिक्स इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर देना है। दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने जोड़ देना है। दोस्तों इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात, सेवन साइड्स वाला रेगुलर हेप्टागन तैयार हो गया। तो आज हम लोगों ने दो तरीके डिस्कस किए हैं सेमी सर्कल मेथड से एक रेगुलर हेप्टागन बनाने का। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग कितनी भी साइड का एक पॉलीगन बना सकते हैं। दोस्तों हमारा एक प्रश्न है कि हम लोगों ने एक हेक्सागन बनाना है वो भी आर्क मेथड से, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, एक रैंडम लाइन खींच लेते हैं कोई भी। अब जितना सर्कल हमें लेना था, जितनी साइड हमें लेनी थी हेक्सागन की, उसके अकॉर्डिंग कंपास खोलेंगे और लाइन ए बी थी हमारी और ओ सेंटर था। अब जितनी कंपास खुली हुई थी हमारी, बी ए सेंटर एक आर्क लगा देंगे और ए ए सेंटर एक आर्क लगा देंगे। तो ये सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करेगा, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों को जॉइन करना है। इस प्रकार से ये एक रेगुलर हेक्सागन तैयार हो गया बाय आर्क मेथड। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि 35 मिलीमीटर साइड का एक हेप्टागन बनाना है वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मेथड से, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन
35 मिलीमीटर की ले लेते हैं, ए बी, और इसका हम लोगों ने बाइसेक्ट करना है। दोस्तों इस तरीके से हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ जाएगा और बाइसेक्शन भी हो जाएगा इसका। अब जो सेंटर आया है, सेंटर को से एक हाफ सर्कल बनाना लगाना है हम लोगों को। दोस्तों जो ये परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये हमारा नंबर फोर पॉइंट है। अब बी एज ए सेंटर और बी इक्वल टू रेडियस, हम लोगों को एक आर्क बनानी है जो परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करेगा। दोस्तों ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट नंबर सिक्स है, इन दोनों के मिडल में एक पॉइंट नंबर फाइव आएगा। तो हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं कि फोर और फाइव के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है। दोस्तों ये लगभग 8 मिलीमीटर आ रहा है, तो सॉरी ये 12 मिलीमीटर के आसपास आ रहा है, तो हम लोग इसको साढ़े छह मिलीमीटर पे हम लोग एक सेंटर ले लेते हैं, या हम इसको बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। अब ऊपर जब हम छह से ऊपर जाएंगे तो तकरीबन इतना ही ऊपर जाएंगे हम लोग, इसी प्रकार से जितने भी पॉइंट्स हमने लेने हों, 7, 8, 9, 10 जितने भी लेने हों। अब क्योंकि हेप्टागन बनाना है इसलिए 7 नंबर पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब 7 से बी तक का रेडियस लेके हम लोगों ने एक सर्कल लगा देना है। और जितना ए बी है हमारा, कंपास खोल के इस सर्कल को हम लोगों ने डिवाइड कर देना है। और इन सारे पॉइंट्स को हम लोग अब ज्वाइन कर देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात। दोस्तों ये एक रेगुलर हेप्टागन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मेथड से तैयार हो गया। दोस्तों हमारा प्रश्न है एक 60 मिलीमीटर की साइड का पेंटागन बनाना है एक सर्कल के अंदर। तो हम लोगों ने ये एक लाइन ए बी 60 मिलीमीटर के बराबर ले लिया है। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लोग एक 30 मिलीमीटर का पॉइंट ले लेते हैं, और इस 30 मिलीमीटर के पॉइंट से एज ए सेंटर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ओ ए ए बी के बराबर पॉइंट ए से और पॉइंट बी से दो आर्क लगा देते हैं जो ऊपर कहीं पे पॉइंट पी पर कट कर रही है। अब दोस्तों जो ये ए बी लाइन है इसको हम लोगों ने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो वैसे तो 60 मिलीमीटर है, 12-12 मिलीमीटर का हो जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था उसको हम लोग एक
एंगल मेथड से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक पॉइंट ऐसे कोई एक रैंडम लाइन खींच लेते हैं और उसको कंपस से पांच इक्वल पार्ट्स में पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। अब इसको बी को हम लोग इससे ज्वाइन कर देते हैं। और सेट स्क्वेयर्स की हेल्प से हम लोग सारे पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों ये पूरी लाइन एक दो तीन चार और पांच पार्ट में डिवाइड होगी। अब दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है, इस सेकंड पॉइंट को हम लोगों ने पी से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करना है जो सर्कल को टच करेगा। और पॉइंट सी पर मिलेगा। अब ए सी को जब हम ज्वाइन करते हैं कंपास खोलेंगे एसी के बराबर जो सर्कल को कट करेगा। दोस्तों इन सारे पॉइंट्स से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से 60 मिलीमीटर साइड का एक रेगुलर पेंटागन हम लोगों को मिल गया है। दोस्तों हमारा प्रश्न है एक पेंटागन बनाना है 40 मिलीमीटर साइड का थ्री सर्कल मेथड से। तो 40 मिलीमीटर साइड के लिए हम लोग सबसे पहले एक साइड ले लेते हैं 40 मिलीमीटर की। तो ये हम लोगों ने 40 मिलीमीटर ले लिया। अब कंपास इधर एंड से 40 मिलीमीटर के बराबर खोल के सर्कल लगा देना है। दोस्तों जो इसके पॉइंट्स बाइसेक्ट हुए हैं इन दोनों को जॉइन कर देना है। सपोज कीजिए लाइन ए बी थी और ए से हमने सेंटर एक सर्कल लगाया और बी से एक सर्कल लगाया। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा सी आ गया। अब सी से भी हम लोग एक सर्कल लगा देंगे। कितना सी बी के अकॉर्डिंग, तो वो बराबरी है 2। दोस्तों अब हम लोगों ने जो ये पॉइंट आया हमारा इसको हम लोग के पॉइंट कह सकते हैं। के से एक्सटेंड करेंगे जहां पे दोनों सर्कल एक दूसरे को और सर्कल को कट कर रहे हैं। उसी प्रकार से पॉइंट के से अब जी और एच दो पॉइंट हमें मिल गए।
अब ए जी को हम लोग मिला देंगे, और बी एच को भी मिला देंगे, अब जितना हमारा बी एच था उससे इस परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट किया हम लोगों ने, और ये पॉइंट हमारा पी आ गया। अब ए पी को एच पी को हम लोगों ने ज्वाइन कर देना है, इसी प्रकार से जीपी को ज्वाइन कर देना है, तो हमारा एक पेंटागन तैयार हो गया ए बी एच पी और जी, और ये थ्री सर्कल मेथड से तैयार हुआ है।